मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आया हुआ है और उसमें पूछा जा रहा है कि सर फेसबुक पर से अपना फेसबुक अकाउंट को कैसे परमानेंटली हमेशा के लिए कैसे डिलीट करेंगे, कैसे उसको उड़ाएंगे हटाएंगे, इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना के दिखाइए। तो मैं सोचा कि इस पर मैं जो भी मेरा व्यूअर्स है जो कमेंट किए हुए हैं तो मैं सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ, जो भी मेरा व्यूअर है जो भी कमेंट किए हुए हैं उसको ये वीडियो देखने के बाद हेल्प मिल जाए और वो अपने जो अकाउंट है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसानी से ये वीडियो देखने के बाद वो डिलीट कर ले। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से अगर आपका फेसबुक अकाउंट है, आप चाहते हैं कि वो परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, उड़ जाए, हट जाए, तो वो उसको आप कैसे परमानेंटली डिलीट करेंगे, हटाएंगे, उड़ाएंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से अपना फेसबुक अकाउंट है उसको किस तरीके से हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट करते हैं, हटाते हैं, उड़ाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक को परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक को ओपन कीजिएगा। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको फिर से एक ऑप्शन ढूंढ लेना है सेटिंग्स का, तो यहाँ सेटिंग्स वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आपको ढूंढ लेना है। यहाँ पे देखिए अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है डीएक्टिव एंड डिलीटेशन का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कि डीएक्टिव अकाउंट और यहाँ पे डिलीट अकाउंट। डीएक्टिव अकाउंट का मतलब ये है कि आप जो डीएक्टिव कीजिएगा ना डीएक्टिव अकाउंट, तो आपका अकाउंट हाइड हो जाएगा, वो किसी को भी शो नहीं होगा और जब भी आप इस पर लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन हो सकते। नीचे है यहाँ पे आपका डिलीट अकाउंट, डिलीट अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप जो है अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करके हटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन है, आप जो है ये इस अकाउंट को डिलीट करके हटाइएगा ना तो आपको 30 दिन का टाइम देगा। 30 दिन में आप लॉगिन नहीं कीजिएगा तो ये जो है आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा हर जगह फेसबुक साइबर पर से, फेसबुक पर से, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर अंदर में फिर से आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपका अकाउंट जो है डिलीट नहीं होगा, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो 30 दिन तक आप लॉगिन नहीं कीजिएगा तो ये जो आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर, तो यहाँ कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीटेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए कि डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना तो आपके सामने में यहाँ पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देता हूँ, जो मेरा पासवर्ड है। यहाँ पर देखिए मैं पासवर्ड डाल दिया हूँ। मैं यहाँ कंटिन्यू वाले पर क्लिक करूँगा। जैसे पे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपका अकाउंट यहाँ पे डिलीट हो गया। तो यहाँ से आपको एक बार फिर से है कन्फर्म डिलीटेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फर्म परमानेंटली अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है डिलीटेशन का, तो यहाँ पे डिलीट अकाउंट पे क्लिक करके आपका यहाँ से अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा अकाउंट जो है परमानेंटली डिलीट हो गया है। यहाँ ओके वाले पे क्लिक कीजिएगा। ओके वाले पे क्लिक
जैसे ही कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फिर से जो है, तो यहाँ पे देखिए कि आपका अकाउंट यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो गया है। और फिर से आपको जो है फेसबुक के पेज पे लाके यहाँ पे ओपन कर, यहाँ थ्री डॉट जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। और इस पर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे ऐसे ही आप जो अकाउंट है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये रिमूव अकाउंट फ्रॉम डिवाइस, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ से जो है आप यहाँ पे रिमूव अकाउंट पर क्लिक करके इसको आप यहाँ से परमानेंटली यहाँ से भी इसको हटा दीजिए। तो अब जो है यहाँ पर देखिए कि आपका अकाउंट है यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो चुका है, उठ चुका है। तो आपका जो भी अकाउंट है वो ईमेल आईडी यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉगिन कीजिएगा। तो आप जो भी अकाउंट को डिलीट किए हैं उड़ाए हैं वो अगर आप 30 दिन में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से लॉगिन करके ला सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।